हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट को मैंने पूरा कर दिया है, यानी कि जो कि रिक्वेस्ट, जो कि मेल्स, जो कि इंस्टाग्राम पे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि सुगम हमें, क्योंकि ठंड बहुत आ चुकी है और हेयर फॉल मतलब ऐसा हो रहा है कि हम बस बालों को हाथ लगाते हैं, बाल पूरी तरह से नीचे आ रहे हैं, हम टकले होते जा रहे हैं पूरी तरह से। इवन जो लोग पूरी तरह से गंजे हो चुके हैं, उनके लिए भी आज एक मैं मैजिक ऑयल लेके आई हूँ, जिससे कि आपके इस स्कैल्प से बाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, मैं मेरे बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं और आपके सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, गंजे लोग हो चुके लोग भी जो है उनके भी बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं एक आयुर्वेदिक थेरेपी लेके आई हूँ। आपने सुना होगा हमारे आयुर्वेदा में लीच ऑयल की थेरेपी होती थी, और उस लीच ऑयल से, आई थिंक मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा दूंगी, उस लीच ऑयल से क्या होता था, आप देखते होंगे जो लोग टकले हो चुके होते हैं या फिर जहाँ से बाल झड़ना स्टार्ट होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनी स्किन हो जाती है। और वो चिकनी स्किन इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है, और जिस जगह अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा वहाँ पर आपकी स्किन जो है बिल्कुल तरह चिकनी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है। तो लीच थेरेपी में क्या होता था, उस जो सर पूरी तरह से गंजा हो चुका है, जो पूरी तरह से चिकना हो चुका है, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं, रोम छिद्र पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, वहाँ पे लीच को यानी जो को आपकी सर पे छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद वो जो है जोक आपके जो स्कैल्प से गंदे खून को पी लेते थे, आपके जो है पूरी तरह से रोम छिद्र को खोल देते थे, यानी कि जो पोर्स बंद हो गए हैं बालों के निकलने वाले, जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जोक ऑयल वहाँ का पूरा गंदा ब्लड पी लेता था और आपके बाल फिर से नए होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस थेरेपी के बारे में आपसे बात करूँगी, तो ऑफकोर्स कोई भी कराना नहीं पसंद करेगा। तो आज मैं उसी से रिलेटेड जो है उन्हीं जोक के सलाइवा से बना ऑयल लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नेचर श्योर के जोक ऑयल की, जो कि जोक ऑयल के सलाइवा से बना ऑयल है, और यकीन मानिए मैंने इससे भी पहले इसका वीडियो किया हुआ है, 1 से 1.5 साल पहले, यकीन मानिए ऑसम रिजल्ट मिला है तब से लेके मुझे आज तक, इसीलिए अगेन मुझे इसका दोबारा वीडियो लेके आना पड़ा है। नो प्रमोशनल वीडियो, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि ये मुझे कंपनी से आया है, बिल्कुल भी नहीं, ये मैं खुद के उससे बोल रही हूँ, क्योंकि इसका बेनिफिट लोगों ने ऑसम मतलब ऑसम तरीके से इसका जो है फ़ायदे उठाए हैं। इवन जो लोग टकले हो चुके थे, जिनके यहाँ के, मेरे भी पहले यहाँ पे बाल नहीं थे, आप लोग जो पहले की वीडियो देखिए यहाँ पे बहुत कम बाल हो गए थे, मैं इस ऑयल को ही हमेशा लगाती हूँ। इसका लगाने का प्रोसेस भी सम डिफरेंट है, नॉर्मल की तरह मत लगाइएगा वरना आपको दिक्कत हो सकती है, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरह से लगाना है, इसलिए पूरा वीडियो देखना भी जरूरी होता है। सिर्फ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके चले आते हैं, देन उसके बाद नीचे खराब खराब से कमेंट्स करते हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ फुल वीडियो देखिएगा। तो जोक के सलाइवा से बना ये ऑयल है, एक बार ट्राई करिए किस तरह से आपके रोम छिद्र के खुलना स्टार्ट होते हैं, नए बाल आना स्टार्ट होते हैं। इवन अगर आपके यहाँ के बाल चले गए हैं तो थोड़े थोड़े में देखेंगे छोटे छोटे बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो बड़े होके आपको यहाँ से काफ़ी हेल्दी दिखाएंगे। और आप देखते हैं कि बालों का हमारी एज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, अगर आप 20 के हैं और आपके बाल बहुत लाइट हैं तो आप ज़्यादा एज के दिखेंगे। आपने 25-25 साल के लड़कों को देखा हो, वो टकले हो चुके हैं और काफ़ी एज के लगते हैं, और आई थिंक आयुष्मान खुराना की इससे रिलेटेड एक मूवी भी आने वाली है, इंस्पिरेशन मूवी आने वाली है। तो एक बार गंजेपन से जूझना छोड़ दीजिए, बिकॉज आपके लिए एक बहुत अच्छा सा ऑयल आया है। एक छोटा सा क्लोज लुक भी दिखाना चाहूँगी, इसका प्राइस भी बताना चाहूँगी, और किस तरह से इसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें बताना चाहूँगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और एक छोटा सा रिव्यू दिखाती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं एक इसका छोटा सा रिव्यू भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये है नेचर शो का जोक ऑयल, जो कि 110 ml का है और प्राइस है 239, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, और इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये, आपको इस तरह की पैकेजिंग में मिलेगा।
थोड़ा सा जो नॉर्मल ऑयल है उससे थोड़ा सा मोटा ऑयल है, बिकॉज ये सलाइवा से बना हुआ है तो कहीं ना कहीं मोटा तो होगा ही होगा। और इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बोला है कि ये एक सलाइवा यानी कि जोंक के सलाइवा से बना है, और इसमें लिखा हुआ है कि हेल्प्स प्रिवेंट हेयर ऑयल, नरिश हेयर एंड स्कैल्प, प्रमोट फास्टर हेयर रीग्रोथ, फाइट डैंड्रफ एंड फंगस। इवन आपको फंगस की प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, ऑल ओवर ये आपके हेयर को काफी अच्छा करेगा। तो चलिए इसको मैं लगाने का यूज बताती हूँ, कैसे बनाना है। और एक चीज इस पे भी गौर करवाइएगा, 100% प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट, बिकॉज ये जो के इंग्रेडिएंट से बना है और पूरी तरह से सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। और मतलब कुछ भी आपको, और मैं ऑलरेडी इसका 1 से 1.5 साल पहले वीडियो कर चुकी हूँ और काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, मैंने खुद इसका काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट उठाया, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, जो इसका लगाने का प्रोसेस है वो आपको सिर्फ रात में लगाना है। आपको इसे अपने पाम पे लेके अपने जो है स्कैल्प पे मसाज करनी है, 10 से 15 मिनट मसाज करनी है, रात भर रखना है। देन उसके बाद सुबह लूप मोवर हल्के से गुनगुने पानी से वॉश कर देना है। ये है इसका मेथड। हफ्ते में 3 बार लगाना स्टार्ट करिए, उसके बाद जब आपको लगे बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो गया देन धीरे धीरे कम कर दीजिए। वैसे तो नॉर्मली जो ऑयलिंग की मैं भी सजेस्ट करती हूँ, आपको जो हेयर स्टाइलर भी सजेस्ट करते हैं, वीक में 3 टाइम आपको ऑयलिंग करनी ही करनी है। तो लिंक सब कुछ मैंने आपको बताया, बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप डायरेक्ट इस लिंक पे पहुंच जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं लिंक दे देती हूँ। फटाक से क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंचेंगे और वहां से परचेज कर सकते हैं। जैसा कि मैं नेचर श्योर की हमेशा बात बोलती हूँ, 100% नेचुरल होते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि केमिकल होगा क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपकी मॉम, आपके डैड, आपका भाई, आपकी बेटी, जो भी है उसको एक बार जरूर सजेस्ट करिएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।